अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन और आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो के अंदर हम देखेंगे SEM रश क्या होता है और इसका क्या काम होता है और इससे हम SEO के बेनिफिट्स किस तरीके से ले सकते हैं। बेसिकली एक पेड टूल है, एक SEM है और एक है AHREF। ये दोनों अलग अलग टूल्स हैं, एक ही जैसा काम करते हैं बट पेड टूल्स हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ SEM रश की, जो कि बहुत अच्छा SEO का टूल है और इसको एडवांस SEO के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए इसको खोलते हैं। तो ये है कुछ इसका इंटरफेस, यहाँ पे आप अपनी गूगल ID या फेसबुक ID से डायरेक्ट लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है, लॉगिन होने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा कि मेरे पास फ्री वर्जन चल रहा है, आप इसको अपग्रेड करके जो है वो जो प्रो वर्जन है वो कर सकते हैं। और बेसिकली ये वाला जो वर्जन है, ये जो एडवांस SEO का काम करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इनिशियल में ही अपनी प्लानिंग अच्छी रखेंगे तो आपको ये प्लान्स लेने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी अच्छी SEO कर सकते हैं। मगर अगर आप ले लेते हैं तो प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छा काम हो जाएगा आपका। अच्छा, यहाँ पे आपने जस्ट ये लॉगिन करने के बाद आपके पास ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा और ये वेबसाइट आपको अलाउ करती है कि आप डोमेन का ओवरव्यू कर सकें, ट्रैफिक एनालिटिक्स देख सकें और बाकी जितनी भी कीवर्ड ओवरव्यू, कीवर्ड मैजिक टूल, कीवर्ड मैनेजर, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे हैं जो कि पेड पे चलते हैं, फ्री पे नहीं चलते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं डोमेन ओवरव्यू क्या होता है। ये बेसिकली आपकी कोई भी वेबसाइट है, आप यहाँ पे लिख के सर्च कर सकते हो। मैं मिसाल के तौर पे अमेज़ॉन लिख के सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी अपनी साइट डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि ये अमेज़ॉन ही हो। मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इसको आपको समझाने के लिए दिया है। अच्छा, जब यहाँ पे आपने अपनी डोमेन डाली, फर्स्ट कर लें sn.com डाल ली या यहाँ पे amazon.com, ठीक है, लिख दिया। जैसे आपने सर्च किया है, यहाँ पे आप देखिएगा रूट डोमेन ही सिलेक्ट होना चाहिए। अब लिखा हुआ है अथॉरिटी स्कोर 97, इसका मतलब बहुत ही कोई हैवी और बहुत ही कोई पुराना डोमेन है और बहुत अच्छा डोमेन है। अच्छा, डोमेन पुराना होता है तो उसकी भी एक एग्जिस्टिंग वर्थ होती है, सर्च इंजन में वो रैंक करता है क्योंकि डोमेन पुराना है। अच्छा, बहरहाल ये है 97, इसकी अथॉरिटी है, इसका मतलब ये है कि ये डोमेन बहुत ज़्यादा पुराना है और बहुत ज़्यादा अच्छा है और ऑप्टिमाइज है। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक ये लिखा हुआ रहा है 1.2 बिलियन। ठीक है, इसका जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक सर्च है वो 1.2 बिलियन है। पेड सर्च ट्रैफिक 34.1 मिलियन, यानी जो एड्स वगैरह के थ्रू आ रहे हैं, पहुँच रहे हैं अमेज़ॉन पर, वो 34.1 मिलियन है। बैकलिंक्स इसके ऊपर डले हुए हैं 15.9, यानी कि ऑब्वियसली ई कॉमर्स वेबसाइट है, जो प्रोडक्ट लिस्टिंग यहाँ पे होती होगी तो उसमें जाहिर सी बात है बैकलिंक्स तो बहुत सारे होते हैं। जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है जहाँ पे चीज़ें मिल रही होती हैं तो वहाँ पे आपको बैकलिंक्स बहुत मिलेंगे। बैकलिंक्स मैं आपको बता चुका हूँ, बैकलिंक्स कहते हैं जो कोई किसी की प्रमोशन कर रहा हो तो उसने अपने लिंक में या किसी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए किसी दूसरे पेज का या किसी दूसरे वेबसाइट का लिंक दे दिया तो ट्रैफिक इधर से उधर डाइवर्ट हो रहा है तो उसको बैकलिंक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक और पेड। जब आप इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये US में सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है, बाकी जगहों पर थोड़ा कम हो रहा है। ठीक है, और 100% सर्चेज जो हैं, बेसिकली 86% सर्चेज US से आ रही हैं। ठीक है, अच्छा, पेड कीवर्ड्स टॉप 3, और इस तरीके से करके देखें गूगल पे ये ज़्यादातर सर्च किया जा रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ देख के आप डर मत जाइएगा। अब देखें अमेज़ॉन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो अमेज़ॉन के अंदर टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कौन कौन से, अमेज़ॉन प्राइम, प्राइम वीडियो, amazon.com, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा सर्च हो रहे हैं। इसके अलावा थोड़ा सा और नीचे आ जाए, इंफॉर्मेशनल, कमर्शियल, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आप कंपटीशन देख सकते हैं, तो कंपटीशन देखने के लिए गूगल ट्रेंड मेरे ख्याल में बेस्ट है। यहाँ पे टॉप पेड कीवर्ड्स, पेड पे भी वही चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ये आपको पूरा बता रहा है पेड पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है। तो हमारे लिए जो मेन चीज़ है वो ये है, अथॉरिटी स्कोर, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, पेड ट्रैफिक एंड बैकलिंक्स।
ठीक है, अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी 15.9 बिलियन, तो इससे वेबसाइट के अंदर बैकलिंक्स लगे हुए हैं, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इसकी डोमेन अथॉरिटी किस तरीके से मजबूत है। क्योंकि जब हम बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं या लगाते हैं तो हमारी जो वेबसाइट होती है उसकी बिल्ड अच्छी हो जाती है। ठीक है, वो वेबसाइट क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी अथॉरिटी बड़ी होती जाती है, वाइड स्कोप होता जाता है, तो इसकी वजह से हमारा जो डोमेन है वो स्ट्रांग हो जाता है। अब आ जाते हैं ट्रैफिक एनालिसिस पे। ट्रैफिक एनालिसिस का मतलब कितना ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से कितना आ रहा है, ये सब चीज़ें आप गूगल एनालिटिक्स से भी देख सकते हो, मगर SEM रश भी बहुत अच्छा है, आप उसको भी देख सकते हो। देखो 4 बिलियन इसके विजिट्स हैं, जिसमें से यूनिक विजिटर जो हैं वो 879.6 मिलियन है। पेज विजिट इसका कौन करता है 4.47। ठीक है, एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन देखें आप कितना है, बोनस रेट देखें बाउंस रेट कितना है, सॉरी बाउंस रेट का मतलब होता है बंदा आया और फौरन चला गया, मतलब उसको समझ में नहीं आया और फौरन चला गया। इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि ऑडियंस जो है वो आती के साथ ही क्यों भाग जाती है, भैया ऐसा क्या हमने वेबसाइट के अंदर लगाना है कि वो टिक के रहे। ठीक है, अच्छा अब आप यूनिक विजिटर पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपको देख सकते हैं कि ये बता रहा है, मंथली भी बताएगा, क्वार्टरली भी बताएगा, पेज विजिट, एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन, बाउंस रेट कितना है। अच्छा, ये बहुत ही कीमती डाटा है। व्यू फुल रिपोर्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास व्यू फुल रिपोर्ट भी आ जाएगी कि कौन से पेज पे, यानी जो हमने देखे थे, जो हमने साइट मैप्स लगे हुए थे, जो वेबसाइट के अंदर पेजेस हैं वो कौन सी पेजेस पे लोग आए गए। ठीक है, ये इसके पेजेस हैं, ये सारे जो लिंक्स दिए हैं। अच्छा, अब बेंचमार्क की तरफ आ जाते हैं। बेंचमार्क का दूसरा नाम कहते हैं इसको रेटिंग का, तो ये देख लेते हैं बेंचमार्क्स में हमें क्या डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, ये कह रहा है कि भाई आपने ख़रीदना पड़ेगा, भाई ज़्यादा फ्री नहीं हो, चले ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है। हम देख लेते हैं ऑर्गेनिक सर्च के ऊपर, ऑर्गेनिक सर्च क्या है हमारी, हम अमेजोन देख रहे थे तो अमेजोन देखते हैं। अब आप देखें इसकी कीवर्ड्स कितने हैं, 88.4। ये ओवरऑल वेबसाइट के अंदर जितने भी कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं कि उसका रिपोर्ट हमें बता रहे हैं, और इन कीवर्ड्स के ऊपर ट्रैफिक इतना है और इनकी कीमत ये बनती है 6764 मिलियन। अच्छा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक इनसाइट, मेहनत से कौन सा ट्रैफिक आ रहा है भाई ज़रा देखें, ये आपको लिखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बैकलिंक्स एनालिटिक्स देखते हैं दिखाता है या नहीं, यहाँ पे हम facebook.com का देखते हैं शो करता है या नहीं करता। तो देखते हैं कि हमने फेसबुक सर्च किया है तो उसके क्या रिजल्ट्स रहते हैं। देखें अमेजोन ज़्यादा उसकी डोमेन अथॉरिटी है एज़ कम्पेयर टू फेसबुक, फेसबुक की 93 आ रही है। मंथली विजिट्स इसके इतने हैं, टोटल कीवर्ड्स इतने हैं, आउटबाउंड डोमेन इसके 6 हैं। आउटबाउंड डोमेन से मुराद ये है कि जैसे मेटा हो गया, क्रिएटर स्टूडियो हो गया, और फिर इसके उनके अलग अर्निंग से रिलेटेड भी हैं, तो वो सारे आउटबाउंड डोमेन्स हैं, मतलब है फेसबुक के आउटबाउंड है। ठीक है, ये आपके पास पूरा ग्राफ आ गया। अच्छा, कहने का मकसद ये है, अब आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, मैं आपको दिखा क्यों रहा हूँ, दिखाने का मकसद ये वीडियो के एंड में बताऊँगा। अब देखें यहाँ पर .com वाला जो है 54% यूज़ होता है, .uk 3%, .government 1% से भी कम, .edu 1% से भी कम। ठीक है, तो .uk .org .com वाला जो डोमेन होता है वो वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, और .edu वाला सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए होता है, .org किसी वेलफेयर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको एज अ SEO एक्सपर्ट पता होनी चाहिए। ये दिखाने का मकसद ये था कि आप इसको एडवांस SEO के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आप कोई बड़ी डोमेन पे काम कर रहे हो तब इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अदरवाइज आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐसी है AHREF, वो भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है, और ये बिल्कुल पेड डोमेन है, ये फ्री नहीं है।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं और मज़ीद आपको एनालिटिक्स पता चलेंगे, तो उसकी बेसिस पे आप डिसीजन लेंगे। मैं आपको बार बार कहता हूँ डिसीजन खुद से लेना है आपने, डिसीजन जो है वो एक्सटेंशन की बेसिस पे या किसी वेबसाइट के रिजल्ट की बेसिस पे नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि AHREF और SEMrush, ठीक है, दोनों ही SEO के बहुत अच्छे वेबसाइट हैं और बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स बताती हैं, वेबसाइट के बारे में हर चीज़ बता देंगी, मगर दोनों के रिजल्ट्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको कुछ और देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको कुछ और देखने को मिलेगा, आपके जो सर्च वॉल्यूम में भी कभी कभी फ़र्क आ जाता है। तो आप लोगों को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग प्लीज़ अपनी बेसिस पे डिसीजन लें, उससे SEO और मज़ीद अच्छी होगी। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और Facebook पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो बड़ी हो गई बट इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।